नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। चनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज देश के अंदर एक बड़ी बहस इस बात पर चल निकली है कि किस तरीके से अब जो कांग्रेस है, अरविंद केजरीवाल के गले मिलने के बाद कांग्रेस किस तरीके से आम आदमी पार्टी के रास्ते पर चल निकली है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी जैसी भ्रष्टाचारी पार्टी के रास्ते पर जा रही है। वो कांग्रेस जिसके जो नेता थे बहुत ही समझदार और बड़े सुलझे हुए नेता हुआ करते थे, कभी आज तक के इतिहास में कभी ऐसा विवाद सामने नहीं आया कि किसी प्रवक्ता ने, किसी पार्टी के प्रवक्ता ने किसी पत्रकार पर केस कर दिया हो। कोई पार्टी का प्रवक्ता ऑन कैमरा बैठकर कॉन्फ्रेंस में रो रहा हो, दहाड़े मार रहा हो, ये सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि ये जो मामला था, ये केवल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने शुरू किया था कि जो भी आदमी उन्हें लगे कि उनके पक्ष में नहीं बोल रहा है, हर उस आदमी पर आरोप लगाया जाए, हर उस आदमी को बदनाम किया जाए, हर उस आदमी पर उंगली उठाई जाए जो इनके फेवर में न जाए। और आज देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने वही रास्ता इख्तियार किया है। बेहद शर्मनाक है। बेहद शर्मनाक ये भी है कि कांग्रेस की प्रवक्ता, महिला प्रवक्ता, एक विक्टिम कार्ड खेलते हुए किस तरीके से एक बड़े सम्मानित चैनल उनके पत्रकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। सचमुच ये बहुत शर्मनाक है। दरअसल है क्या, हम आपको एक चीज बताते हैं। जितने भी अखबार हुए, चाहे चैनल हुए, ये सब आखिर हैं तो इंसान, थोड़ी बहुत विचारधारा बहुत सारे लोगों की अपने अपने विचारधारा के हिसाब से उनका एक चलने का एक ट्रैक होता है। मैंने भी बहुत सारे अखबारों में, बहुत सारे संस्थानों में काम किया है। हर अखबार की अपनी एक स्ट्रैटेजी है कि वो उस रास्ते पर चलेगा जो उसका मैनेजमेंट होता है, वो उसका ट्रैक है जिसको छोड़ते नहीं है। लेकिन इससे ये कह देना कि इसने तो हमारे साथ ये किया, उन पर आरोप लगा देना, उनको कटघरे में खड़ा करना, उन पर केस कर देना, सचमुच बहुत शर्म की बात है। देश के अंदर ये काम सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी किया करती थी, लेकिन कांग्रेस ने इसलिए किया कि कांग्रेस अब अरविंद केजरीवाल के गले मिल चुकी। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से चलते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। बहुत सारे अखबार भी ऐसे हैं जो अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी कोई पार्टी जिसके खिलाफ वो चल रहे हों उसके बारे में उस पर केस कर दिया जाए। ऐसे तो पत्रकारिता का विनाश हो जाएगा, पत्रकारिता रहेगी नहीं, असली चीज़ें आपके सामने ही नहीं आएंगी। हर किसी में कमी होती है, ऐसा तो कोई पार्टी, कोई व्यक्ति नहीं बना जिसके अंदर कमी नहीं होगी। तो फिर उसका मतलब ये हुआ कि उस पर केस कर दिया जाए। ये सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया टीवी की, और इंडिया टीवी के जो बड़े पुराने सबसे वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं रजत शर्मा, उनके बारे में। एक टीवी डिबेट, जिस दिन चुनाव था उस दिन जो टीवी डिबेट चल रहा था, उसमें रागिनी नाइक को अगर आप देखेंगे बहुत आक्रामक रूप धारण किए हुए हैं, और वो आक्रामक रूप लास्ट में ये हुआ कि उन्हें केस करना पड़ा। और केस करने के बाद उन्होंने बाकायदा कहा कि मुझे गाली दी गई है, जबकि कहीं पर ऐसा लगता नहीं है कि गाली दी गई है। और कोई भी आदमी अपने इतने इतने प्रतिष्ठित चैनल पर बैठकर कोई गाली तो मुझे नहीं लगता कि कोई देगा। कई चीज़ों को एडिट भी कर दिया जाता है, परंतु इसे शाक का विषय बना लिया गया। एक बार इस डिबेट को जरा देखिए,
रजत शर्मा ने, रजत शर्मा ने ये जो पूरा वीडियो है, जब ये सारा मामला विवाद हो गया और आज रजत शर्मा ने एक नोटिस भेज दिया है उनकी लीगल टीम ने रागिनी नाइक को, जयराम रमेश को और पवन खेड़ा को, इनको एक नोटिस भी भेज दिया है। तो अब ये बनता है, क्योंकि सबसे विवाद का विषय है इसलिए बनता है कि आप इसको एक बार जरूर देखें और ये तय करें कि आखिर गलती कहां हुई। आज सबसे पहले मैं बड़े दुख के साथ भारी मन से आपको एक साजिश के बारे में बताना चाहता हूं जो मेरे साथ हुई है। मैं पिछले 44 साल से पत्रकारिता में हूं, पिछले 31 साल से आपने मुझे टीवी पर देखा है, सब जानते हैं मैंने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी किसी का अपमान नहीं किया, मुश्किल से मुश्किल सवाल भी हंसकर मुस्कुराकर पूछे, हमेशा अपनी बात शालीनता से कही, इसीलिए मुझे आपका इतना प्यार मिला। लेकिन आज सुबह मुझे जब यह पता चला कि कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल ने कल रात सोशल मीडिया पर एक झूठा कैंपेन चलाया कि इलेक्शन की काउंटिंग वाले दिन एक लाइव शो में मैंने गाली दी, ये सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने अपने जीवन में आज तक कभी भी कहीं भी किसी को गाली नहीं दी है। जब ये झूठा इल्जाम लगा तो इंडिया टीवी की तरफ से कांग्रेस का कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट चलाने वालों को एक चेतावनी दी गई, एक लेटर भेजकर आगाह किया गया कि वो झूठ ना फैलाएं, उनसे कहा गया कि रजत शर्मा अपनी बात शालीनता से कहते हैं, डिग्निटी के लिए जाने जाते हैं, अगर आपने बेबुनियाद आरोप लगाया, झूठ फैलाया तो यह मानहानि होगी, डेफेमेशन होगा। इंडिया टीवी की तरफ से कहा गया कि मैंने कभी किसी को कोई गाली नहीं दी, किसी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया, आरोप सरासर झूठे हैं। असल में यह सारा शो लाइव था, पूरी दुनिया ने देखा, अगर कहीं कुछ हुआ होता तो सबको दिखाई देता, सबको पता चल जाता। कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस शो के दौरान भी जानबूझकर मुझे मिसकोट किया, मैंने वहीं क्लैरिफाई किया और यह भी कहा कि मैं उनके साथ बहस में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन अब मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को मुझे टारगेट करने के इरादे से भेजा गया था। उस दिन मुझे प्रवोक करने का प्रयास विफल हुआ, उनके हाथ कुछ नहीं लगा। लाइव शो 4 जून को हुआ था, उसमें गाली देने जैसी कोई बात थी ही नहीं, इसीलिए 10 तारीख तक कोई कुछ नहीं बोला, 6 दिन बाद गाली देने का झूठा आरोप लगा दिया। मेरे लिए मेरे दर्शक सबसे पहले हैं, आपको जानने का हक है कि मैंने क्या कहा, उस शो में क्या हुआ, इसलिए उस दिन जो लाइव शो हुआ उसका वो पूरा हिस्सा मैं आपको सुनवा देता हूं जिसे लेकर मुझे बदनाम करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक हमारे साथ जुड़ रही हैं। रागिनी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, इंडिया अलायंस 237, एनडीए 292 और कांग्रेस पार्टी का स्कोर अभी हम कहें 94 सीटें कांग्रेस के खाते में रुझान में दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे आप? मीनाक्षी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जो 10 साल का अन्यायकाल था ना नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, तो उसके लिए मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि 10 साल से देश में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, कांग्रेस आई कुछ और निखर, सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो जैसा कि अभी कोई बता रहा था, चूंकि टीवी स्क्रीन मेरे सामने नहीं है, मैं रजत जी की आवाज़ पहचान रही थी, बाकी मुझे थोड़ा संशय था, कोई कह रहा था कि केवल 2.25 लाख या 2.5 लाख वोट काउंट हुए हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा और रुकना चाहिए। और जिस तरह से हंसी ठिठोली के साथ प्रधानमंत्री पद बट गया, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, शायद मंत्रिमंडल भी कर रहे होंगे, जरा जीत के लड्डू और हार का ठीकरा संभाल कर रखिए, थोड़ी देर में आदान प्रदान होने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में जरूर कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर अयोध्या की सीट पर पीछे हैं,
स्मृति ईरानी वाली अमेठी की सीट पर पीछे हैं, अरुण गोविल वाली मेरठ की सीट पर पीछे हैं, तो एक बड़ा संदेश मुझे लगता है देश की जनता ने दिया है कि सांप्रदायिकता, धार्मिक उन्माद, मंदिर मस्जिद, मछली मटन, मुल्ला घुसपैठिया, माफिया, मंगलसूत्र, मुजरा वाली राजनीति देश में नहीं चलनी चाहिए। लेकिन रागिनी जी, मध्य प्रदेश में तो क्लीन स्वीप है। मुझे पूरा आप इतनी देर बात की, भाजपा के प्रवक्ता वहीं स्टूडियो में बैठे हैं, जरा मुझे 2 मिनट तो दीजिए। आज तो आप लोगों का दिन है, बोलिए। हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि देखिए, 45 साल में जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी रही, 35 साल में सबसे ज्यादा महंगाई रही, 75 साल में सबसे ज्यादा रुपए में गिरावट रही, थाली थी तो खाना नहीं था, डिग्री थी तो नौकरी नहीं थी, सिलेंडर था तो गैस नहीं थी, शौचालय था तो पानी नहीं था, वाहन था तो पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए पैसे नहीं थे। ये हालात देश में हुए। 80 करोड़ लोगों को ये जो कहा गया तथाकथित रूप से अन्न पहुंचाया गया, राशन दिया गया, उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे भारत का नंबर 111वें अंक पर पहुंच गया था। ये सच्चाई थी, इसीलिए कहीं ना कहीं ये बात स्वीकारनी होगी। मुझे रजत जी की एक बात से आपत्ति हुई, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर डबल भी कर लेती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज पूछना चाहिए भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं कि ये 400 पार के नारे का क्या हुआ, 370 अपने आप पार कर लेंगे उसका क्या हुआ, सारे एग्जिट पोल जो गलत साबित हुए उसका क्या हुआ। और मीनाक्षी, आप भी देखिए, अगर आप एनडीए कह रही हैं तो कृपया इंडिया बोलिए, या तो आप एनडीए अलायंस बोले, फिर आप इंडी अलायंस बोले तो मैं समझ सकती हूँ, पर ये दुभाती आज के दिन तो कम से कम मत। अच्छा, चलिए, आप कह रही हैं एनडीए और फिर कह रही हैं इंडी अलायंस, ये तो गलत बात है। और ये आपने ये जो भगवा और हरा कर दिया रागिनी, पहली बात तो देखिए, मैं नहीं आपसे ज्यादा बहस करना चाहता, लेकिन आप समझिए मैंने क्या कहा था, उसको मत मिसकोट करिए। मैंने कहा था कांग्रेस अगर 90 सीटें भी जीत ले तो उसकी जीत मानी जाएगी। नरेंद्र मोदी, ये दर्शक देख रहे हैं, आपने कहा था कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से। चलिए रागिनी जी, हम किसी भी इस तरीके की बहस में नहीं जाते हैं, केवल भाजपा से बात। और वो ना जीते तो वो उनकी हार मानी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है फिर से दोबारा सुनिएगा रागिनी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कई बार क्लियर नहीं हो पाए। अब इसमें गाली कहां है, ये साबित करना उनका काम है जिन्होंने झूठा आरोप लगाया है। आपने देखा होगा के पूरा जो टीवी डिबेट था, इसमें खुद जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं वो बहुत आक्रामक दिखाई दे रही है, अग्रेसिव है, क्योंकि उनकी पार्टी बर्फ बनाए हुई थी। होना भी चाहिए, होता भी है, होना भी चाहिए था, परंतु इसमें गाली कहीं दिखाई नहीं दे रही है जो रजत शर्मा के ऊपर आरोप लगाया गया। ये एक साजिश है उन लोगों के खिलाफ जो कांग्रेस की खिलाफत करते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थोड़ा सा फेवर में बोलते हैं या जो भी फेवर में बोलते हैं, इस पर नहीं जाना है, छोड़ दीजिए इस बात को। ये साजिश है देश के अंदर उन पत्रकारों का मुंह बंद कराने की जो न्यूज़ क्लिक की तरह बिकते नहीं है, उन पत्रकारों का मुंह बंद कराने की जो चाइना के गुलाम नहीं है, उन पत्रकारों का मुंह बंद कराने की जो पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों से पैसा नहीं लेकर हिंदुस्तान में काम करते हैं, उन पत्रकारों का मुंह बंद कराने की जो देश के अंदर दूसरे देशों का, विदेशों का एजेंडा देश के अंदर चलाते हैं। सचमुच ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आपको हम एक और चीज बताते हैं कि आप देखिए, जब पत्रकार के खिलाफ कोई नेता बोलता है तब क्या उन पर ऐसा केस किया जाता है? पत्रकार कभी ऐसा कोई केस नहीं करते, कोई कदम नहीं उठाते। एक छोटा सा वीडियो आप अब अरविंद केजरीवाल का देखिए कि वो एक महिला पत्रकार को किस तरीके से, किस भाषा में जवाब दे रहे, ये भी आप देखिए। पुरानी साथी स्वाति मारेवाल के मुद्दे पर बोलने से इनकार कर दिया। सारे अपने आपको बड़ा प्यार है। नहीं नहीं, महिला हूँ, महिला ने कोई आवाज उठाई तो पूछूंगी। और आप तो महिलाओं के साथ रहते हैं। महिला ही नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल है भाई। बाकी और तो कोई महिला ही नहीं पूछ रही हूँ भाई मैं तो। मैंने कह दिया भाई, मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का ऑर्डर आ जाने पर आप पूरा बोलते हैं, अच्छे से बोलते हैं, और कोर्ट का ऑर्डर आ जाने दीजिए। तो मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी विपक्ष वालों को भी सबको जेल में डाल रहे हैं और अपने वालों को सबको साइड करते जा रहे हैं अमित शाह का रास्ता साफ करने के लिए, क्योंकि उनको सक्सेसर बनाना है। चलिए, और आपने सक्सेसर अभी ढूंढना नहीं है, अगर नौबत भी आ जाए तो भी नहीं ढूंढना है। नहीं, 75 साल को हो जाने दीजिए और शुभ शुभ बोलिए। मेरी लंबी नहीं, बिल्कुल लंबी उम्र की हम कामना करते हैं, लंबी उम्र की हम कामना करते हैं, बजरंग बली आपके सारे संकट हरे, ठीक है ना। आपने देखा होगा क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस तरीके से जवाब देना चाहिए था? क्या ऐसे बोला जाना चाहिए था? क्या ये बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए थी एक सीएम की, एक महिला पत्रकार के साथ? शायद नहीं।
लेकिन इन महिला पत्रकार ने अरविंद केजरीवाल पर कोई केस नहीं किया, उनका पक्ष सुना, लाइव कर दिया। अब एक चीज और आपको दिखाते हैं, जिस दिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उनके घर से, मैं खुद अरविंद केजरीवाल के गेट के सामने मौजूद था। हमारे साथ एक चैनल की आर भारत की पत्रकार मौजूद थी, और वहां पर जब ये पत्रकार जब सौरभ भारद्वाज पहुंचे और उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया, तो हम सब लोग जो कुछ लोग थे वो वहां पर थे, बाकी सब करीब आधा किलोमीटर लुडलो कैसल स्कूल के पास थे, हम पांच पत्रकार अरविंद केजरीवाल के गेट के सामने थे। सौरभ भारद्वाज को हमने बुलाया, और जब सौरभ भारद्वाज आए तो जो आर भारत की महिला पत्रकार थी वो तेजी से बढ़ी और उन्होंने सौरभ भारद्वाज से सवाल करने की कोशिश की, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने उनको झटक दिया और उनको मना कर दिया कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, और सीधे उन्होंने कहा ANI कहाँ है। क्या नेताओं का ये रुख होना चाहिए? सचमुच आज कांग्रेस को आत्म मंथन की भी बहुत जरूरत है। जीत थोड़ी सी छोटी सी जीत उनके खाते में गई है, लेकिन इस जीत से दिमाग के अंदर गर्मी नहीं लानी चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, कांग्रेस के जो नेता हैं, उनको इस बात को समझना होगा कि अगर आप देश के अंदर इस तरीके की स्थिति पैदा करेंगे तो जितनी तेजी से अरविंद केजरीवाल की पार्टी गिरी है, आप भी उस गति को पहुंच सकते हैं। सोचना आपको है, तय आपको करना है। हमने जो सच्चाई थी वो आपको सौंप दी, वो आपको दिखा दी। सचमुच ये देश के लिए बहुत बुरा वक्त चल रहा है। अगर पत्रकारों पर उनको जेल में बंद कराया जाता है, उन पर झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं, उनको धमकाया जाता है और इस तरीके से केस किए जाते हैं, तो आने वाला समय सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इससे हमें सबक लेना होगा, इससे हमें बचना होगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। अगर हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपकी हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में, हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय है तो कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों में शामिल करते हैं, कई बार हम अपनी खबरों में आपकी राय को आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।